आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। कल हम लोगों ने सिंगल इफ पढ़ा था। अच्छा, नेस्टेड इफ के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को किस तरीके से जो है वो आपस में कैलकुलेट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लेबल्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका नाम रख दिया TXT इंग्लिश, TXT मैथ्स, ठीक है। और इसका नाम मैं चेंज करके कर रहा हूँ टोटल, TXT टोटल, सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें एक नंबर एंटर करूं, इसमें नंबर एंटर करूं, तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके पास इस बटन पे क्लिक करूं तो उसका सम आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ TXT इंग्लिश डॉट टेक्स्ट, ठीक है। पहले ये करेंगे TXT टोटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, TXT इंग्लिश डॉट टेक्स्ट प्लस TXT मैथ्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि दो TXT टोटल के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, TXT इंग्लिश का नंबर्स और TXT मैथ्स के नंबर्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड किया 100, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड किया 100, तो यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए हमारे पास, 200। ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये इस तरह फर्ज करके लिख देगा। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो एज अ कॉन्केटिनेट यूज कर रहा है, यानी दोनों टेक्स वैल्यूज को टेक्स कंसिडर कर रहा है और उसको आपस में मिला के लिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टेक्स बॉक्सेस के पहले DAL ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके VAL लगाया है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर किया 100, ठीक है। और इसमें भी एंटर किया 100। अब जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर आपके पास ये आपको 200 शो कर आया, क्लियर। अच्छा, देन यहाँ पर हम लोगों ने रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के लिए हम इसके अंदर नेस्टेड इफ इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट के बटन पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या क्या चेक करना है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जिसका नाम क्या है TXT टोटल, इसके अंदर अगर वैल्यू आपकी 80 से ज्यादा हो, परसेंटेज या नंबर्स कैलकुलेट कर लें, 80 से ज्यादा हो तो आपके पास जो है वो 80% एक A1 ग्रेड शो करा है, या 70 से ज्यादा हो तो A ग्रेड शो करा है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर हम एक और भी काम करवा सकते हैं, हम एक और टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करवा लेते हैं, सही है। इसका मैंने नाम रख दिया TXT परसेंटेज, सही है। इसी बटन पे कोडिंग करते हैं, इसके साथ ही कोडिंग खुद ब खुद हो जाएगी। तो TXT डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो आप लोग क्या करेंगे, TXT परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू TXT टोटल डॉट टेक्स्ट डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन लगाएंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि टोटल वैल्यू इसके अंदर आएगी, मल्टीप्लाइड कर दिया आपने 200 से टोटल मार्क्स आपके, और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसको प्ले करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 50 50, तो यहाँ पर 100 आ गया और 200 में से 50% निकल के आ गया, क्लियर। देन यहाँ पर आपके पास अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज की टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो है अपनी रिजल्ट जनरेट करवा दें। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ TXT परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 80 के, देन यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाए, मैसेज बॉक्स शो करा देते हैं, मैसेज बॉक्स A1, ठीक है। देन यहां पर आप लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ क्या लिखेंगे, TXT परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 70 के, देन मैसेज बॉक्स ए, फिर एल्स इफ
मैसेज, ठीक है, देन मैसेज बॉक्स बी, ठीक है, देन यहां पर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के, तो यहां पर आपके पास आ जा सी, ठीक है, और अगर लेस देन हो 50 के, ठीक है, तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ आ जा फेल, ठीक है, और यहां पे एंड इफ करके आप इसको बंद कर, सही है। इसको मैंने सेफ करवाया, प्ले किया, अब यहां पर मैं लिखूंगा पहले 50, ठीक है, फिर लिखा मैंने 50, तो यहां पर आपके पास 100 आएगा, ठीक है, अब रिजल्ट चेक करूंगा तो सी ग्रेड सही दिखा रहा है 50% पे। नंबर चेंज करते हैं, मैं इसमें कर देता हूं 50 और यहां पे कर देता हूं 70, 120 परसेंटेज 60 आ रही है और बी ग्रेड इसका बन रहा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे करता हूँ 90 एड, ठीक है, परसेंटेज 80 आ रही है और रिजल्ट क्या आना चाहिए, A1 ग्रेड, तो A1 ग्रेड शो करा, सही। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपना नेस्टेड इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, सही।